हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मंच पर विराजमान अभी आपने जिनको सुना, उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश चंद्र जतोड़ी जी और हमारे क्या बात आवाज आ रही हमारी मंच पर उपस्थित बरोड़ा जी, हमारे प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय नवीन वर्मा जी, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल राजकुमार भूपी जी, और जिन्होंने व्यापारियों के संबंध में यहाँ पर अपनी बात रखी है, श्रीमान प्रमोद जी, हमारे खटीमा व्यापार मंडल के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई गौरी शंकर अग्रवाल जी, भाई हिमांशु अग्रवाल, भाई गौरव अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, श्री हरिनारायण अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल जी, सूरज शर्मा जी, प्रवीण कंचल जी, गुरप्रीत सिंह रंधावा जी, हरिचंद जोशी जी, वरुण अग्रवाल जी, और मंच पर उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, व्यापार मंडल के संरक्षक के नाते, संयोजक के नाते काम करते हैं आदरणीय महेश जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी छात्र संघ खटीमा के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र जोशी रामू भाई, और मंचा सिंह, हमारे सभी पदाधिकारीगण इस सभागार में बैठे हुए, सभी व्यापार मंडल से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी व्यापार मंडल और व्यापार मंडल के साथ विभिन्न विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले मेरे सभी उपस्थित बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आज व्यापार मंडल के इस शपथ ग्रहण समारोह में जहां खटीमा, चकरपुर और झनकट तीनों व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ हुई है, मैं सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को, जिनको जो भी दायित्व मिले हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। पिछले कई दिनों से ये लगातार इंतजार हो रहा था कि ये शुभ घड़ी कब आएगी। बहुत दिनों से भाई गौरी शंकर अग्रवाल ने, हमारे चकरपुर के अध्यक्ष भाई गणेश जोशी ने लगातार मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण में आपको आना है। बीच में हमारे रामू भाई और दान सिंह राणा मम्मा, ये हमारे देहरादून आए और इन्होंने कहा कि अब तो आप तिथि दे दीजिए। मैंने कहा तिथि मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन ऐसा कोई समय निकालूँगा जिस दिन मेरा दिन का भी काम हो जाए और शाम को व्यापार मंडल की शपथ भी हो जाए। तो भाइयों बहनों, मैं पिछले दो दिनों से चंपावत में था, कल पूरे दिन भर था और आज भी शाम को 5:30 बजे तक चंपावत में था। दो दिनों तक वहाँ के बहुत सघन कार्यक्रम थे और उस कार्यक्रम के बाद पहले से आप सबके बीच में आना निर्धारित था। आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत यहाँ पर आप सबके इस उत्साह को देखकर बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देखकर। मैं आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने अच्छी यहाँ पर जीत हासिल की है और हमारा जो व्यापार मंडल है और हमारे व्यापारी भाई हैं वो खटीमा में पूरे
अमन चैन और शांति देने का काम उनके द्वारा होता है। हर किसी भी कार्यक्रम में हो, कोई भी यहाँ का आयोजन हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई सामाजिक आयोजन हो, सब में हमारे व्यापारी भाइयों की बहुत भूमिका रहती है। और खटीमा हमारा एक लघु भारत है। खटीमा के अंदर हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। अगर हम एक तरफ से शुरू करें तो मैं कह सकता हूँ कि एक कौमी एकता का जो गुलदस्ता है वो कहीं देखने को मिलता है तो खटीमा में देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ हमारे पूर्वांचल से बिहार से आए हुए लोगों का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रतिशत है, उसी के साथ साथ यहाँ पंजाब हरियाणा और राजस्थान से आए हुए लोगों का, यहाँ बंगाल से आए हुए लोगों का, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र से आए हुए लोगों का, हमारे जनजाति भाइयों का, हमारे सब लोगों का मिलकर ये खटीमा है। और खटीमा में हमेशा लोगों ने एक दूसरे की सुख में दुख में हमेशा खड़ा होने का काम किया है। और व्यापारी भाइयों ने हमेशा से खटीमा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और व्यापार की दृष्टि से अभी प्रमोद जी यहाँ पर कह रहे थे कि GST वो क्या था आपका टैक्स, मंडी का शुल्क 1% कर दीजिए। अभी पिछले दिनों हमने देहरादून में इसके लिए बैठक करी थी और इस बैठक में हमने मंडी शुल्क में जो भी अनियमितता है या जो भी थोड़ा उसमें और हमारे यहाँ डिफरेंस है उत्तर प्रदेश और यहाँ में, हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में और यहाँ में कितना डिफरेंस है और उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वित्त मंत्री जी को कहा है, व्यापारियों के साथ हमने खुद भी बैठक करी है और व्यापारी भाइयों के लिए हमने आपका जो बीमा होता है दुर्घटना बीमा, उस दुर्घटना बीमा को डबल किया है इस बार, बढ़ाया है इस बार और बढ़ाया है, क्योंकि व्यापारी भाइयों को भी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और आपका व्यापार अच्छा चलेगा तो सब कुछ अच्छा चलेगा। व्यापारी भाइयों का संवर्धन भी होना चाहिए, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, उनका व्यापार भी अच्छा चलना चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर बनने के बाद लगातार चाहे व्यापार जगत हो चाहे उद्योग जगत हो, हर क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। लोकल फॉर वोकल का नारा आज साक्षात धरातल पर उतर रहा है। देखिए कितने सारे कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज देश के अंदर चल रहे हैं। अभी अभी आज से 4-5 दिन पहले भारत सरकार की वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, उनके साथ हमारी बैठक हुई थी और उस बैठक में अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर जो बन रहा है उसके बारे में शायद आप लोगों को सबको जानकारी होगी। व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से व्यापारियों का माल ठीक समय पर पहुँचे, आसानी से पहुँचे, उसके लिए अमृतसर कोलकाता जो कॉरिडोर बन रहा है वो कॉरिडोर हमारे प्रदेश से नहीं निकल रहा है, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया है कि 250 किलोमीटर के अंदर में जो भी एरिया नज़दीक का पड़ेगा उस एरिया को जोड़ा जाएगा। और हमारी सरकार से इसमें ऑप्शन पूछा गया था, हमारी सरकार ने ऑप्शन के रूप में जो खुरपिया फार्म है, खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ जमीन IMC की स्थापना के लिए दिया है। इसमें जो हमारा रुद्रपुर से किच्छा को जाने वाला मार्ग है उसी में खुरपिया फार्म पड़ता है बाएं हाथ पर, नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी है, उसको 4 लेन बनाने का प्रस्ताव हमारी सरकार ने शासन में उसकी DPR तैयार कर रहे हैं, DPR तैयार होने के बाद जल्दी उसकी स्वीकृति हो जाएगी तो हमारे व्यापारी भाइयों के लिए वो भी एक जो है बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ मैंने यह भी मांग रखी है कि जो हमारा खटीमा क्षेत्र है, एक खटीमा क्षेत्र में जो रेलवे की लाइन है, रेलवे की लाइन पीलीभीत से आती है, इस रेलवे की लाइन को अगर किच्छा लालकुआ से जोड़ दिया जाएगा तो हमारे सितारगंज, खटीमा, नानकमता, चकरपुर, आसपास के व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। इस प्रस्ताव को भी चलाया है, ऐसे अनेकों कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। भाइयों बहनों, चाहे व्यापारियों का हित हो, चाहे किसानों का हित हो, चाहे उद्योग के प्रतिनिधियों का हित हो, उद्योग चलाने वालों का,
उन सब की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमारी सरकार लगातार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये तीन मंत्रों के आधार पर काम कर रही है। हमने कहा है कि सरकार के प्रतिनिधियों के पास, सरकार के अधिकारियों के पास कोई भी आम जनता का आदमी आता है तो सबसे पहले तो उसकी समस्या को सुनने के बाद उसका क्या रास्ता हो सकता है, क्या उसका सरलीकरण हो सकता है, कैसे हम उसमें कोई फार्मूला निकालें कि जो समस्या है वो सरल हो जाए और सरल होने के बाद उसका समाधान हो जाए और समाधान होने के बाद उस पत्रावली को पेंडेंसी में नहीं डालना है, उसको लटका कर नहीं रखना है, उसका निस्तारण करना है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इस मंत्र के आधार पर हम बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी के कालखंड के 8 साल पूरे हो गए और इन 8 सालों के कालखंड में मोदी जी ने अनेकों योजनाएं पूरे देश को दी हैं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया में बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। लगातार आज भारत अब पिछलग्गू भारत नहीं रहा, अब भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। भारत पुनः अपने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है और पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर व्यक्ति का, जो समाज के अंतिम छोर में खड़ा है, उसकी लगातार चिंता की गई है। लगातार कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, गरीब कल्याण अन्न की योजनाएं चलाई गई हैं, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिए, जहाँ हमारे उद्योग के प्रतिनिधियों के लिए जहाँ ऐसे कॉरिडोर देश के अंदर बनाए जा रहे हैं, 6 कॉरिडोर बन रहे हैं, इसके बाद 6 कॉरिडोर और बनेंगे। लगातार देश के अंदर उद्योग जगत को बढ़ावा दिया जा रहा है और वहीं GST जैसा GST देश के अंदर लाकर सभी व्यापारियों को एक आसान रास्ता दिखाने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, जहाँ सड़कों की बात है, आज सड़कों के क्षेत्र में आप सब देखते होंगे कि पहले हम यहाँ खटीमा से रुद्रपुर जाते थे तो 3 घंटे से कम का समय नहीं लगता था और आज गुलशन जी यहाँ से, आप लोग रुद्रपुर से आए होंगे खटीमा, तो मैं समझता हूँ कि अधिकतम एक घंटा लगता है और यहाँ से देहरादून जाने वालों को 12 घंटे 14 घंटे का समय लग जाता था कभी कभी, इतने रास्ते खराब हुआ करते थे। और आज हम यहाँ से खटीमा से भी, मैं अधिकतम 6 घंटे में यहाँ से खटीमा से देहरादून पहुँच सकते हैं। मैंने 1 घंटा अधिक बताया है, 1 घंटा अधिक बताया है, 5 घंटे में यहाँ से पहुँच रहे हैं। हमारे बिपिन जी कह रहे हैं, बिपिन जी वहाँ से, अनिल जी कह रहे हैं कि 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। आने वाले समय में जब सड़कों का पूरा निर्माण हो जाएगा तो इनकी दूरी बहुत कम होने वाली है। हमारे यहाँ पर पंतनगर में जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं कि इसी एयरपोर्ट को बनाना है या ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाना है, उस पर भी जल्दी हम समाधान निकालेंगे और जिससे कि हमारे आने वाले जाने वाले लोगों को आसानी से कनेक्टिविटी मिल पाए। इसके साथ साथ चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे हवाई क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, हर तरफ कनेक्टिविटी से जुड़ने का काम हो रहा है। कैसे नए नए हमारे पर्यटक स्थान, डेस्टिनेशन अच्छे हों, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने तय किया है कि 2025 में जब हमारे राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, 9 नवंबर 2025 को, हम उस समय हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आएँ, उसके लिए हमारी सरकार रूल में बना रही है। हमने सभी विभागों को कहा है, मैं तो व्यापार मंडल के, उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी, मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, अभी मैं कल पेट्रोलियम संस्थान के कार्यक्रम में गया था देहरादून में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम, वहाँ भी मैंने उनसे अपेक्षा करी कि आपका संस्थान भी कोई न कोई राज्य के हित में 1 योजना 2 योजना ऐसी दे कि हम कहें कि 2025 में इस संस्थान ने राज्य के लिए ये योगदान किया है। और जब हम राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, सिल्वर जुबली मना रहे होंगे, उस समय हर एक संस्थान से 1-1, 2-2 योजना पूर्ण हो रही होंगी, उसमें हम उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से भी मैं कहूँगा कि वह भी यही सोचें कि हम राज्य के लिए कौन सा ऐसा कार्यक्रम दे सकते हैं
जो अगले 3 सालों में पूरा होगा, और 3 सालों में वो कार्यक्रम ऐसा हो कि लोग कहें, हरियाणा के लोग कहें, मध्य प्रदेश के लोग कहें, उत्तर प्रदेश के लोग कहें, दिल्ली वाले कहें कि उत्तराखंड के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने ये काम वहां पर इतना अच्छा किया है सरकार के साथ। हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार अकेले सब कुछ काम नहीं कर सकती। सरकार आपकी सहयोगी है, सरकार आपकी साझेदार है, सरकार आपकी पटेदार है। हम इस आधार पर काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशन में, क्योंकि उनको उत्तराखंड से अत्यधिक लगाव है। उनका स्नेह किसी से छिपा हुआ नहीं है, उसी का कारण है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में 2 एम्स नहीं है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां एम्स की दूसरी शाखा भी यहां खुल गई है, और हमारे यहाँ किच्छा में उसके लिए जमीन अलॉट हो गई है, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम हो चुका है हल्द्वानी में। जल्दी ही हमारे यहाँ पर एम्स की स्थापना हो जाएगी, जिसके लिए हमें आज दिल्ली जाना पड़ता है या ऋषिकेश जाना पड़ता है, वो सारी सुविधा हमको यहीं पर मिलने वाली है। ऐसे अनेकों काम भाइयों बहनों इस दौरान हो रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना महामारी आई थी, और जब कोरोना महामारी देश के अंदर आई नहीं थी, जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना जैसे देशों में ये बीमारी तेजी से फैल रही थी, उस समय हमारे देश के अंदर लगातार एक बात पर चर्चा हो रही थी कि महामारी अगर भारत के अंदर आएगी तो इसका कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे इस महामारी पर पार पाया जाएगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और देश के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने 1 साल से भी कम समय के अंदर देश के लोगों के लिए एक वैक्सीन नहीं, 2-2 स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध करवा दी। और आज 192 करोड़ टीके अभी तक लग चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से, अभी बूस्टर डोज भी, तीसरी डोज वह भी मुफ्त में देने का जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तीसरी डोज लगाने का भी निर्णय कर लिया है। और इतना ही नहीं, ये बूस्टर डोज हो या उससे पहले की डोज हो, सारी डोज भारत के अंदर तो लगी, भारत के बाहर भी, जिसके बारे में हमारी संस्कृति कहती है, कहते हैं अयम निजम प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वैसुदेवम तु कुटुंबकम, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसी बातें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं, छोटे मन वाले करते हैं। जिनका हृदय उदार होता है उनके लिए संपूर्ण संसार अपना घर होता है। ये इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल भारत के अंदर ही नहीं, विदेशों को भी 20 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन की डोज देने का काम हमारी भारत की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ गरीबों के घर का चूल्हा जलता रहे, कोई भूखा न रहे, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर चलाई गई। और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मार्च 2020 से अभी तक लगातार लोगों को भोजन देने का काम, क्योंकि जब कोरोना महामारी आई थी तो इसमें एक बात यह भी हो रही थी कि जब सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा नहीं चला पाएगा, ठेला लगाने वाला ठेला नहीं लगा पाएगा, मजदूरी करने वाला जब मजदूरी नहीं कर पाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा, उसके घर का चूल्हा बुझ न पाए, कोई भूखा न सोए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई भाइयों बहनों। और उस योजना का अभी तक भी उस योजना से हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 2 सालों से भी अधिक समय से लगातार राशन लेने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड की सरकार जहां व्यापारियों के हित के लिए काम कर रही है, उद्योग हमारे उद्योग व्यापार में काम करने वाले लोगों के लिए लगातार हमने उनके साथ भी जहां व्यापारियों से बात कर रहे हैं, वहीं हमने उद्योग जगत के लोगों को भी लगातार बुलाया था। पिछली सरकार के दौरान हमने उनके 42 पॉइंट थे, मुझे इस मंच से बताते हुए ये खुशी हो रही है कि उन्होंने 42 पॉइंट हमको लिख के दिए थे, और 42 में से हमने 42 के उनके सारे बिंदुओं का निस्तारण कर दिया। और बीच में चुनाव आ गया तो वो लोग हमको कह रहे थे कि हमने आपका धन्यवाद करना है, हमने कहा इतना धन्यवाद काफ़ी है कि आपने इतना सोच लिया,
और सबसे बड़ी बात है हम चाहते हैं कि क्यों धन्यवाद मत करिए। आप यहाँ से व्यापार मंडल के लोग, यहाँ से उद्योग जगत के लोग, यहाँ से सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, आप जाइए, सरकार आपकी साझेदार है, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए। आप कहिए कि हमारे यहाँ हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार आपकी सरकार है, ये सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। आप लोगों को लाइए व्यापार के क्षेत्र में, प्रोत्साहित करिए और अच्छा व्यापार करिए, अच्छा व्यापार करिए, फेयर व्यापार करिए, उसमें सरकार की तरफ से हर प्रकार का प्रोत्साहन आपको मिलेगा। जहाँ भी सरकार की जरूरत पड़ेगी सरकार आपके साथ खड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हर क्षेत्र में राज्य का रेवेन्यू भी हम बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारा बजट 65,000 करोड़ रुपये का है, उसको आगे बढ़ाना है। हर क्षेत्र में राजस्व की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, हमारे बजट से पहले हम लोगों से संवाद कर रहे हैं। हर विभाग में आय कैसे बढ़े, राजस्व कैसे बढ़े, उस दिशा में भी हमको काम करना है, क्योंकि अगर हमको हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होना है तो हमको व्यापार बढ़ाना होगा। व्यापार के साथ साथ इसके रास्ते बढ़ाने होंगे, कैसे व्यापार बढ़ेगा। अगर आप सबका व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से व्यापार से होने वाली जो जो कर हैं, जो राज्य सरकारों को मिलते हैं, वह भी बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बजट बढ़ेगा, और बजट बढ़ेगा तो विकास के रास्ते भी खुलेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और हमारे गैदोड़ी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज मुझे इस मंच पर खड़ा करवाया, दोबारा से मुझे विधानसभा का सदस्य बनवाया, और छठीमा क्षेत्र के तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता ही हूँ कि आप लोगों ने मेरी शुरुआती दिनों में मेरी यहाँ से शुरुआत करवाई, लेकिन उसको अभी पक्के रूप से मुझे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर चंपावत की जनता ने दिया है। मैं चंपावत क्षेत्र के लोगों का, कैलाश गहलोत जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज इतना जरूर कहता हूँ कि खटीमा क्षेत्र में चूँकि हमारा बचपन यहाँ बीता है, यहीं से बड़े हैं, यहीं से गए हैं, तो खटीमा क्षेत्र में जो भी हमारे विकास के काम हैं, जो हमारी योजनाएँ चल रही हैं, वो योजनाएँ कोई रुकने वाली नहीं है, उन योजनाओं को लगातार गति मिलेगी और वो योजनाएँ समय पर पूरी होंगी। मैं उसकी भी लगातार यहाँ से समीक्षा करता रहता हूँ, लगातार मैं पूछता रहता हूँ। पिछले दिनों हमने जो चकरपुर में बनने वाला स्टेडियम है, उस स्टेडियम के लिए धनराशि उसकी जारी हो गई है, और जारी होने के बाद संस्था भी उसमें तय हो गई है कौन सी संस्था काम करेगी, वो संस्था ठीक प्रकार से काम करेगी। और हमने कहा है सभी एजेंसियों को, चाहे कोई भी ठेकेदार हो, वो गुणवत्ता के साथ काम करें। 126 करोड़ रुपये की जो सड़कें हैं PWD में, वो निर्माणाधीन है खटीमा क्षेत्र में, 126 करोड़ की, उनको पूरा होना है। ऐसे अनेकों अनेकों काम है, यहाँ पर बस अड्डा पूरा होना है, अभी हमारे फौजी भाइयों के लिए, सबके लिए मिलिट्री की कैंटीन जहाँ यहाँ पर खुल गई है, उसके साथ साथ उसकी पक्की बिल्डिंग बननी है, बहुत सारे काम। हमारा बाईपास का काम अभी चालू है, बाईपास जल्दी पूरा होगा। ऐसे अनेकों अनेकों प्रोजेक्ट, जो एकलव्य विद्यालय यहाँ पर खुला है, एकलव्य विद्यालय के लिए अभी 100 लाख रुपये की धनराशि अभी जल्दी ही जारी हुई है। अभी दाम सिंह राणा मम्मा जी आए थे मेरे पास, तो इन्होंने महाराणा प्रताप की स्टैचू लगाने के लिए, और दो तीन चीज़ें इन्होंने बालिका छात्रा एकलव्य विद्यालय के छात्रावास के लिए, और धन आवंटन की बात की थी, उन सभी पर शासनादेश जारी हो गए हैं। अन्य जो बचे हुए काम हैं और नए जो काम प्रस्तावित होंगे इस क्षेत्र में, जो भी जरूरत होगी उन सभी को पूरा किया जाएगा। हम चाहते हैं कि खटीमा, जहाँ से राज्य आंदोलन शुरू हुआ था, उत्तराखंड की जननी कोई जगह है तो खटीमा है, इसलिए खटीमा का विकास होना इसलिए भी जरूरी है कि खटीमा का विकास होगा तो निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड का विकास होगा, और हम लोग खटीमा के एक आदर्श खटीमा बनाने के लिए हम सब लोग काम करें। हम लोग मिलजुल कर सभी लोग यहाँ पर अच्छा काम करेंगे, जो हमारे यहाँ की एक संस्कृति है, आपस में भाईचारा है, प्रेम है, उसको बनाकर रखेंगे। तो आज के अवसर पर पुनः मैं सभी को अपनी ओर से, जितने भी हमारे निर्वाचित व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उन सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।